हे गाइस, इट्स प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती से गलत PDF अपलोड कर दिया, जैसे कि अकाउंट्स का उन्हें अपलोड करना था और उन्होंने बिजनेस का अपलोड कर दिया, या फिर अगर किसी को हिस्ट्री का अपलोड करना था उन्होंने हिस्ट्री की जगह पे पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर दिया। ठीक है, सो गाइज, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली SOL की तरफ से। सो पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रोसेस को समझ लीजिएगा, देन आप अपने असाइनमेंट के PDF में करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप SOL के डैशबोर्ड पे जाके यहाँ असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन 2020 पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन ये आपका स्टूडेंट ID आ जाएगा, आपको इसे लॉगिन कर लेना है अपने SOL रोल नंबर एंड बारकोड की हेल्प से। एंड यहाँ पे जो ऐड नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा है इसे भी ऐड करके आप यहाँ पे लिख दोगे, देन आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा शो होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने PDFs अपलोड कर दिए हैं वो स्टूडेंट्स भी व्यू आंसर वाले टैब पे क्लिक कर ले। हाँ, देख पा रहे होंगे आपको यहाँ व्यू आंसर का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस व्यू आंसर पे क्लिक करके एक बार अपना आंसर शीट जरूर वेरीफाई कर ले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो व्यू आंसर कर रहे हैं तो उन्हें एरर फाइल दिखा रहा है, मींस उनका फाइल करप्ट हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइल को चेंज करने के लिए। ठीक है, मींस वो रीअपलोड कर सकते हैं अपने आंसर शीट को। एंड जिन स्टूडेंट्स ने बाय मिस्टेक किसी और सब्जेक्ट के फाइल को किसी और सब्जेक्ट में अपलोड कर दिया है, वो स्टूडेंट्स यहाँ इस रीअपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि क्यों आप रीअपलोड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो रीज़न दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होगे। पहला रीज़न में आपको बोल रहा है कि अपलोडेड रॉन्ग आंसर शीट, अगर आपने गलती से गलत आंसर शीट अपलोड कर दिया तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे। एंड अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है, मींस आपका फाइल करप्ट हो गया है, तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करोगे। ठीक है, लास्ट में आपको दिया है अदर रीज़न। अदर रीज़न में क्या आएगा, लाइक आपने अपने आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखना भूल गए, पेज नंबर लिखना भूल गए, या फिर सिग्नेचर करना भूल गए, तो इन केस में आप यहाँ अदर रीज़न पे क्लिक करोगे। अदर रीज़न पे क्लिक करने के बाद आपको एक कमेंट लिखना होगा, वो सब करके आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? सो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिला होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।